मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रुक जा यासिर। क्या हुआ निदा? क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? खुश हूँ निदा। तो फिर क्यों यासिर, क्यों? क्या क्यों? तुम मुझे तलाक क्यों दे रहे हो यासिर? क्या तलाक? दानिश समझाओ यासिर को कि मुझे तलाक ना दे। नहीं मैं तलाक दे नहीं रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। भाई लिखने से भी तलाक हो जाती है। अबे यार मैं पायलट लिख रहा हूँ, ये देख। झूठ, एक और झूठ बोला तुमने। कौन सा झूठ भाई? इस पे तुमने पायलट नहीं लिखा बल्कि लिखा है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तलाक दूंगा, तलाक दूंगा। भाभी चले सामान पैक कर ले, मैं आपको आपकी अम्मी के घर छोड़ो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं भाभी नहीं, सॉरी, आप अब यहाँ नहीं रह सकती। क्यों किया तुमने यासिर, ये क्यों किया? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निधा मैं पायलट लिख रहा हूँ, सीरियल का पहला एपिसोड। ओहो भाई, तो तुम राणा रिजवान बन रहे हो। भाभी बचत हो गई, तलाक नहीं हुई। बकवास मत करो दानिश, तुम दोनों कोई काम नहीं कर सकते, तुम दोनों को सिर्फ बैठकर खाना आता है। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो खड़े होकर भी खा सकता हूँ। नहीं निधा देखना ये सीरियल कितना हिट होगा, रजिया की तलाक। बस कर दो बस भाई, इससे पहले तुम 16 दफा पायलट लिख चुके हो। ऐसा करो अब यूनिफॉर्म पहन के लिखा करो। इससे क्या होगा दानिश, पायलट बन जाएगा? पायलट बने ना बने, पायलट बन के उड़ जरूर जाएगा। मैं मुझे कह रहा है तो तूने कौन सा तीर मारा है? भाई मैं एक्टर हूँ, एक्टर उड़ी, मेरा कमर्शियल चलने वाला है। भाई आ जाओ, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखा इसमें तू कहाँ था? अरे भाई कोने में जो लड़के खड़े थे ना, उसमें एक लड़का जो दीवार से मुंह करके खड़ा था, मैं ही तो था। पूरे ऑफिस में नाक कटवा दी मेरी, मैंने अपने ऑफिस में शो मारी थी कि मेरा मियां राइटर है और मेरा देवर एक्टर। कहाँ थे तुम? निकम्मे हैं दोनों कहीं के, जो आर्यू में हटो सामने से। नाक कटा दी भाई तुमने, हालांकि तुम्हें पेट कटवाना चाहिए था। तेरा पेट बिल्कुल ठीक है ना जैसे? हाँ सही है, कम से कम मुझे मेरा अंगूठा नजर आता है। तुम्हें आता है नजर पैर का अंगूठा? सुनो जी। बोले दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। तो करने दे, मैं क्या करूँ? अरे सुनो तो, उनमें से एक ने कहा, चाचा कमाल आपको तमीज नहीं है? क्यों, मैंने क्या किया है? आप छुप कर दूसरों की बातें सुनते हैं। मैंने तो नहीं सुनी। तो फिर आप मुझे कैसे बता रहे जब आपने नहीं सुनी? अरे मैं तो तुम्हें लतीफा सुना रहा हूँ। आपको शर्म नहीं आती मुझे ऐसे लतीफे सुनाते हुए? कैसे? वैसे। नंबर दो? हाँ बिल्कुल वैसे लतीफे। अरे बाबा अपना नंबर दो। क्यों, क्या काम है आपको? मैं तुम्हें मैसेज करूँगा। चाचा कमाल अगर यासिर को पता चल गया ना तो वो जान से मार देगा आपको। उसका भी नंबर दो, उसे भी कर दूंगा जी। हाँ जो उसे भी SMS कर दूंगा। चाचा कमाल बड़ा टाइम है आपके पास, हटे मेरे रास्ते से, ऑफिस जाने दे मुझे। दानिश गोश उबल गया, आप क्या डालू? रजिया की कॉल मुल्तान से। अबे क्या पागल हो गया है, गोश में रजिया की कॉल डालू? अरे नहीं भाई, रजिया की कॉल आई हुई है मुल्तान से, रात बाजी बाद में बताएंगे क्या डालना है। दिल फिरा तेरी नाक से मिला, आ गई इसमें यासिर। तुम कहती हो मैं किसी काम का नहीं हूँ, देखो मैंने खाना पकाया है सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ भाभी, और मैं भाई की मदद कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। सारे गोश्त का सत्यानाश कर दिया, जल गया है ये। बिल्कुल सही है, बस अगर पक जाए फिर देखना। यासिर पक पक के सड़ गया है। हाँ क्या वो रजिया की कॉल आ गई थी ना इसलिए। रजिया कौन? रजिया? रजिया रेगुलर कॉलर है, रोज फोन करती है। रोज फोन करती? तुमने मुझे आज तक बताया नहीं। नहीं मुझे नहीं करती, राहत को करती है। राहत कौन? भाभी शेफ राहत, जिसकी रेसिपी हम बना रहे हैं। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, मैं पहले ही टेंशन में, मुझे और परेशान किए जा रहे हो। क्या हुआ भाभी? मेरे ऑफिस वालों को ड्रामा करना है, सीरियस थिएटर प्ले। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, उन्हें करना है ना, करने दो। इसलिए कि मेरे ऑफिस वाले समझते हैं कि मेरा मियां एक नंबर वन राइटर है और मेरा देवर एक नंबर वन एक्टर, मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरे तो मसला क्या है भाभी, कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, तुम फारे हो? हाँ बहुत सालों से। बस तो भाई तुम फौरन एक ड्रामा लिख दो, दो चार थिएटर के एक्टर पकड़ते हैं, बस ड्रामा बन गया। और लीड कौन करेगा? कौन करेगा, पाकिस्तान ने एक ही तो बड़ा घर पैदा किया है। अगर तलत तो हुसैन ने मना कर दिया तो कर दे मना, उनको कौन ले रहा है? अभी तो तूने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदाकार। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम बस स्क्रिप्ट लिखो। और थिएटर हॉल सेट एक्टर्स वगैरह का क्या होगा? इसके लिए है ना अपना इरफान मैसेज वाला, अभी फोन करता हूँ, देखना कैसे उड़ता हुआ आएगा यहाँ पे। हेलो इरफान, किधर है तू यार, जल्दी आ जा। आ गया आ गया, अबे इतनी जल्दी आने को भी नहीं कहा था यार। भाई काम बोल, जानी थिएटर प्ले करना है। हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल है। अच्छा सुनिए, वो कुछ एक्टर्स चाहिए होंगे थिएटर के लिए।
खो जाएंगे, बाएं हाथ का खेल है। अच्छा हमें कुछ थिएटर हॉल चाहिए, सेट लगवाना है, वो कैसे होगा? वो भी हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल है। बाया हाथ टूटा हुआ और सारे काम तू इसी हाथ से करेगा? और कोई काम है भाई? नहीं भाई तू ऐसा कर, जल्दी से गायब हो जा। तुम परेशान मत हो, इरफान मैसेज वाला है ना, सब ठीक हो जाएगा। देख दानिश, ये जो तेरी स्पीच है ना, इसमें गुस्सा चाहिए मुझे, गुस्सा। ये हाँ सही है। मत मारो मेरे को, एक औरत पे जुल्म करते हो, शर्म नहीं आती है? भाई क्या बोल रहा है? भाई वो ही बोल रहा हूँ जो तुमने लिखा है। ये तो निधा की स्पीच है। तो मेरी स्पीच कहाँ है? ढूंढ। तेरी आँख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है। ये क्या है? 18 महीने से 12 लाइनें मेरी है। मैं नहीं करता तुम्हारे। सही कहा मेरे को भाई, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा ड्रामा बीच में से। देखो निधा मैं किरदार को फील कर। शाबाश शाबाश, वेरी गुड निधा। अब बहुत बोलो क्या सर? ये क्या है? ये स्क्रिप्ट निकल जो थिएटर में परफॉर्म करना है तुम लोगों को। इसमें हर जगह कर्मों की लाइनें, रजिया की लाइनें की तरह। रजिया की लाइन इसमें है ना? मुझे बहुत तरस आ रहा है इसमें। अरे निता ये ड्रामा है, हकीकत नहीं है यार। फील करो उसे और डायलॉग बोलो। शाबाश बोलो 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 निता निता डायलॉग बोल डायलॉग। शाबाश रजिया गेस्ट अपीयरेंस होगी देखियो। अरे भाई कर्मों का लिखना ये रजिया चौधरी का बेटा धोती पहनते हुए। अबे पगड़ी पहनते हुए। थोड़े चक्कर अखियों की डोर है। अबे क्या कर रहा है तू? उतार रहा उतार रहा है भाई। पगड़ी पहननी क्या यार? घूम 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 भाई। धोती है, साड़ी है, उतर ही नहीं रही। रजिया यहाँ भी, रजिया यहाँ भी, रजिया हाँ बस ये पूरी रजिया की। रजिया शेव बना रही है। हैं कहाँ गया इरफान? हो सकता है उसने बाएं हाथ से कुछ खेल रहा हो। फोन कर उसे यार दानिश। अभी फोन करता हूँ भाई। हेलो इरफान, मैसेज वाले कहाँ मर गया तू? यहाँ पे सब तरफ वेट कर रहा, तू कोई बड़ी चौधरी हो गया तू? जल्दी आ। जी जी आ गया। कहाँ है सब लोग? सब आ गए। ये सलीम भाई। सलाम 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 सलीम भाई, कैसे हैं आप? ऐसा हूँ। लड़की का बाप है ये आ गया। लड़की का बाप ये रहा। अबे ये तो चाचा कमाल है, इनको कहाँ से पकड़ लिया? तुम्हारे घर के बाहर फिर रहे थे, मैंने कहा लड़की के बाप बनोगे, कहने लगे हाँ मैं ले आया। अबे ये किसी के बाप तो बन सकते हैं लेकिन बाप नहीं बन सकते। अबे छोड़ दानिश, इनके कौन से डायलॉग हैं यार। चाचा कमाल ना आप सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना आप चल सकते हैं, आप बहरे भी हैं इसमें, ठीक है? या और सुने, आप लड़की, आप जो ना हिरण की बहन है, आप हिरण के भाई हैं और आप हिरण के घर के नौकर हैं। नौकर? मैं लीड नहीं कर रहा। नहीं लीड है सर, लीड है भाई, लेकिन लीड तो मैं कर रहा था। चुप कर जा, ये ले स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए सर आप। नहीं नहीं स्क्रिप्ट रहने दे, मैं वैसे ही बोल लूंगा, आप बेफिक्र। अच्छा चले फिर रिहर्सल करते हैं सब लोग और सब सीरियस होकर काम करेंगे क्योंकि ये सीरियस प्ले है। आइए जरा रीडिंग कर लेते हैं। आइए आइए बैठे, कुर्सी लेकर आओ कासिम, कुर्सी लेकर आओ जल्दी से यार। अबे कुर्सी यहाँ रखी हुई है, चाचा कमाल कहाँ गए? मैं तो आपके पीछे हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां जाइए आप। लेने नहीं, बात तो सुनिए कुर्सी लेके। अबे क्या, अबे तू कहाँ जा रहा है? इधर बैठ। ये क्या हो गया बाबा? क्या हो गया नेता? अच्छा अच्छा चुप रहे, आपका कोई डायलॉग नहीं, आप गूंगे बेरे, चुप रहे। आप यहाँ क्यों खड़े में आवा चाहिए ना? हाँ जाए। अरे बिस्मिल्लाह। का भी इंतजाम है? अबे ये मैंने नहीं बुलाया। फिर कहां से आया? जादू से आया? पता नहीं किसने भेजा। समझने की बोलने
मेरी जिंदगी में एक गूंगे बहरे लंगड़े बाप के अलावा और कोई नहीं। ये तुम्हारा बाप है या फिल्म ब्लैक की रानी मुखर्जी? चाबी वाला चाचा, क्या हुआ चाचा, तुम्हारी छत उड़ गई? गूंगा बोल भी रहा है क्या, डिजिटल गूंगा? दानिश तो जुटते मार रहा है यार, ये ड्रामा सीरियस है। अरे भाई तुम फिक्र मत करो, अभी मैं वहां जाता हूँ, देखना मैं ड्रामे को कितना सीरियस कर दूंगा। शाबाश दानिश, जा और उसको वापस भेज दे यहाँ पर। रजिया 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 रजिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं करो, नहीं, इतना जुल्म मत करो मेरे साथ। उसे तलाक नहीं दो, इसको फितरा ज़कात दे दो, उसके साथ इतना जुल्म ना करो। तलाक बहुत बड़ी सजा, छोटी मोटी सजा दे दो, हाथ पांव तोड़ दो। नहीं ना कर भाई, ना कर यार। क्यों ना कर, ज्यादा बहस मत करो, तुम अंदर जाओ। अंदर कहां से जाऊं, सारे रास्ते के आगे तुम ही तुम खड़े हो, रास्ता नजर ही नहीं आ रहा, इतने भारी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख नहीं रहा क्या हो रहा है। दूसरा भाई भी होना था, उसका भी सामान तुम ही ले आए। कहां लिखा भाई सब कुछ? माशाल्लाह ये बाल है हलवा सोने के लिए अच्छे। भाई आप अंदर जाए प्लीज। मैं वापस आ जा भाई, वापस आ जा। सर ना हिलाओ, जुए गिर जाएंगी। माशाल्लाह बड़ा घना जंगल है, जुए के बच्चे तो रास्ता भूल जाते होंगे। जंगल ये काले जंगल में कहां से आ गए? माशाल्लाह सलीम भाई, ये सस्ती जुगते ना मारे, आप अंदर जाए प्लीज। जुगतों पे जुगते पड़नी मेरे भाई को, पैसे तू ही देगी। माशाल्लाह बुला रहे आपको, अंदर बुला रहे। चलो फिर आ जाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं, ये सीरियस ड्रामा है। क्या कह रहे हैं आप, ऑडियंस का रिस्पांस तो देखें, उनको कितना मजा आ रहा है। रजिया मैं तुम्हें तलाक देके तुम्हारी बहन से शादी करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत है। वो कभी भी नहीं मानेगी करमू, तुम देख लेना। मान चुकी है, ये जमाना भी देखेगा कि वो कभी नहीं मानेगी। बदतमीज, वो मान चुकी है, देखो अपनी आंखों से वो आ रही है। अबे हीरोइन की बहन कहां है? वो उधर फोन पे बात कर रही है। यार मरवा दिया। वो नहीं आएगी। वो आएगी रजिया, वो आएगी। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। आ जा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फोन पे बात। अरे स्टेज पे आपका क्यों है, क्या कर रही हैं? चले। रजिया तुम्हारी बहन कहाँ है? पता नहीं। देखो मैं स्टेज पर हूँ, तुम कहाँ हो? अच्छा अच्छा फोड़ रहा हूँ मैं। किसको इशारे कर रही है ये? क्या कर रही हो, कहाँ थी तुम? अब तो मैं आ गई हूँ, क्या करना है बोलो। तुम मुझसे शादी कर रही हो? लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ और मेरे मियां ऑडियंस में। अरे ड्रामे में तुम मुझसे शादी करी हो और तुम रजिया की बहन हो? लेकिन मैं तो शकीला की बहन हूँ। मेरी बहन ड्रामे में हम लोग शादी कर। क्या हो रहा है? सुने मैं जाऊँ? हाँ। अबे कहाँ जा रहा है, अबे कहाँ जा रहा है ये? नहीं रजिया नहीं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा रजिया। पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू मेकअप करती है तो शेव हम भी करते हैं। तुम्हारी जैसी लड़कियां होती हैं खुदा इसमें मैंने देखा है, स्कूल में मिसे होती हैं, बच्चों को पढ़ाती कम है, इमली ज्यादा मंगाती है। आपको भी मैं जानता हूँ, ऐसी भाभियां होती हैं मोहल्ले की बीसी डालती हैं, अपनी पहली बीसी खोल के बोलते हैं बीसी टूट गई बीसी टूट गई बीसी। तुम खामोश खड़ो, अभी तक वही मुंह लेके थके नहीं। सलीम भाई वो चीजों अपन जरा कम करें, सीरियस प्ले। हाथ बांधो नहीं, नियत बांधी हुई है, जेब में हाथ डाले हुए, जेब में फटी हुई है। तू यहाँ क्यों आ गया भाई? मैं क्या करता, सब उलट पुलट कर दिया उसने, इतनी झुकते इतनी झुकते हैं भाई, क्या मैं वाकई तबू रहा हूँ? बस मेरे भाई बस, सबसे प्यारा है पता है, अम्मी झूठ बोलती थी क्या भाई? नहीं नहीं अम्मी सच्ची थी। कुत्ती। और तुम क्या हाल है बावरा शरीफ की छोटी बहन? मैं तो चल सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्यों जा रहे? माशाल्लाह इसके सिस्टम पूरे काम करते हैं। आरा
मुझे कुछ नहीं पता नहीं था। यासिर की तो सीरियस ड्रामा है। सीरियस ड्रामा है लेकिन स्टेज के पीछे ये डांस नहीं करे, इनको रोको जरा। मैं कैसे रुकूं यार? भाई मैं ट्राई करता हूँ, लास्ट ट्राई, देखते बड़ी झुकते पड़ेंगी। लेकिन ओए नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई रजिया की बहन के साथ डांस करने की? मुझे क्या पता ये रजिया की बहन है, तू किसी और की बहन को लिया, मैं उसके साथ कर लूंगा डांस। वरना क्या कर लेगा जंगली भैंसे? वरना खबरदार, टक्कर नहीं मारना। ये तो लड़ाई हो जाएगी बेटा। होने दो, इससे आगे और क्या होगा? मैं देखता हूँ। तुम्हारे उस इरफान मैसेज वाले की वजह से हुआ है। मेरा क्या कसूर है भाभी? वो तो खुद कहता था मेरे सारे बाएं हाथ का खेल है, मुझे खुद इतनी झुकते पड़ी है। फोन बज रहा है, भूखे मरेंगे हम सब। फोन आ रहा है ऑफिस से। हेलो जी सर, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में होंगे जी सर। हैं जी? अच्छा मैं अभी बताती हूँ मैं। क्या हुआ, नौकरी गई? यासिर, दानिश, मेरी प्रमोशन हो गई यार। हैं? मेरे ऑफिस वालों को ड्रामा इतना पसंद आया कि वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी इसी तरह का ड्रामा करना है। क्या फिर से डिप्रेशन? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो